कुछ कॉमन डिजीज़ हैं जिसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ओबेसिटी, ओबेसिटी इज़ अ कॉमन डिजीज़ ऑफ, मोस्ट कॉमन डिजीज़ ऑफ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। ओबेसिटी में क्या कहता है, हम ज़्यादा खाते हैं। इफ़ द एनर्जी ऑफ इनपुट एज अ रिजल्ट ऑफ ईटिंग ग्रेटर देन द एनर्जी यूज, जो हमें कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं हम उनसे ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी लें और वो एनर्जी स्टोर होती है और उस फैट में कन्वर्ट होती है, इसकी वजह से हमारी बॉडी ओवरवेट हो जाती है। उसी ओवरवेट को हम क्या कहते हैं, ओबेस। क्या कहते हैं, ओबेस। और कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, ओबेसिटी। माना ओबेसिटी की सिंपल डेफिनेशन क्या बनेगी, जब हम रिक्वायर्ड कैलोरी से ज़्यादा कैलोरीज ऑफ फूड लें तो एक्स्ट्रा जो कैलोरीज हैं वो फैट में कन्वर्ट हों, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का वेट बढ़ जाए। तो नतीजन उस कंडीशन को, उस डिसऑर्डर को हम क्या कहेंगे, ओबेसिटी। ओबेसिटी की कुछ सफरिंग्स हैं, कौन कौन सी, क्या क्या नुकसान है ओबेसिटी पर्सन, ओबेस पर्सन को। ओबेस पर्सन इन ओबेसिटी कंडीशन सफ़र फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, उसको ब्लड प्रेशर के चांसेस ज़्यादा हैं। ओबेसिटी पर्सन मस्ट सफ़र फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, स्टमक डिसऑर्डर, डिफरेंट टाइप ऑफ सफरिंग्स में ही सफ़र। एक और डिजीज़ है जिसे हम कहते हैं अपेंडिसाइट्स। अपेंडिसाइट्स इज़ द डिजीज़। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एक प्रोजेक्शन, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, उसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। इट प्लेस नो रोल इन डाइजेशन। डाइजेशन में कोई ख़ास फंक्शन नहीं, मगर जो रिसेंट रिसर्च है वो बताती है इट परफॉर्म टोले फंक्शंस। रिसेंट जो रिसर्च है वो बता रही है कि इट परफॉर्म टोले डिफरेंट फंक्शंस, मगर हमारी बुक के हिसाब से इट प्लेस नो डाइजेस्टिव रोल। समटाइम दिस अपेंडिक्स गेट इन्फेक्टेड। जब ये इन्फेक्ट होगा तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन अकर होगी, मीन इट इन्फ्लेम्ड। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, पेन स्वेलिंग होती है। क्या होती है, पेन और स्वेलिंग होती है। जब ये इन्फ्लेम्ड हो जाए तो इस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, अपेंडिसाइट्स। इनिशियली तो हम ड्रग्स के थ्रू इसको ट्रीट करते हैं, अगर ये सीवियर हो जाए और पेन ज़्यादा पड़े तो हमें सर्जरी करनी पड़ती है। सो इट्स आल्सो कॉमन डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे आप ये लेबलिंग जेन में रखें, ये जो डायग्राम में लेबलिंग दी गई है यहाँ से काफ़ी सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से एमसीक्यूज बनाऊँ कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्प्शन अकर, कौन सा है, वो कौन सा पार्ट है, उसे हम कहेंगे बी। बी इज़ अ लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स बाइल, तो हम क्या कहेंगे, ए इज लिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन स्टोर बाइल, तो हम क्या कहेंगे, वाई, गॉल ब्लैडर। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस, तो हम क्या कहेंगे, डी। क्या कहेंगे हम, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ द सलीवा, तो हम क्या कहेंगे, एक्स। सो यहाँ से, इस डायग्राम से काफ़ी सारे एमसीक्यूज डिज़ाइन हो सकते हैं। इस डायग्राम को समझें और इसको मेमोराइज करें, इसकी लेबलिंग ज़रूर मेमोराइज करें। सी को हम क्या कहेंगे, ईसोफेगस। ऐसे भी एमसीक्यूज बन सकते हैं।